प्रिय दर्शकों, आज आप बीती की ये कड़ी दहेज की आग का पहला भाग देखने जा रहे हैं। इस भाग के अंत में इस कथा के संबंध में एक प्रश्न पूछेंगे, जिसका उत्तर आप इस कड़ी के अंत में दिए गए पते पर लिख भेजें। सात वचन और अग्नि को साक्षी मानकर जिस तरह सात फेरे लिए जाते हैं और जिस तरह एक बाप अपनी जान से प्यारी नाजों से पली बेटी को सिर्फ ब्याह बंधन के नाम पर एक अनजान अजनबी के हवाले कर देता है और बेटी अपने माँ बाप की मर्जी के आगे अपना सर झुकाकर इस विश्वास पर अपना मायका छोड़कर ससुराल जाती है कि उसे वहाँ राम जैसा पति मिलेगा, ससुर के रूप में पिता और सास के रूप में एक माँ मिलेगी और उसे वहाँ वो सब मिलेगा जो उसे मायके में मिलता था, लेकिन वहाँ एक दुल्हन को क्या मिलता है? बस इतना ही सामान लेकर आई हो? अरे ये क्या कम है, पहली बार के लिए इतना काफी है। याददाश्त कमजोर हो गई है तुम्हारी। अरे जो इससे पहले बहू लेकर आए थे वो तो पहली बार में ही इससे दुगना माल लेकर आई थी। कम से कम 6-7 लाख का सामान था। अरे हाँ, ये शादी की गहमा गहमी में मैं पुरानी बातें सब भूल गया। अब क्या करें संतोष? करना क्या है, जरा बलिराम को तो बुलाओ। इस वक्त? हाँ इसी वक्त। अरे इस वक्त तो वो अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ अपने कमरे में होगा। इसीलिए तो कह रही हूँ कि उसे बुलाओ। जो बहू इतना मामूली दहेज लेकर आती है वो ससुराल में अपनी पहली रात अपने पति के साथ नहीं बल्कि अकेली, बिल्कुल अकेली काटती है। क्या? हाँ, और अब खड़े खड़े यही बातें करते रहोगे या जाओगे भी? जाओ। ये क्या पूर्णिमा, तुम रो रही हो? ये रोने धोने के रिवाज बहुत पुराने हो गए, अब रोना बंद करो। और वैसे भी अब तुम अपने मायके में नहीं, ससुराल में हो, और रोने धोने के लिए सारी उम्र तो पड़ी ही है हमारे पास। अब अपना ये प्यारा सा चेहरा मुझे दिखा दो। मैं अभी आया। बलिराम, बलिराम बेटा, बलिराम पहुंची आप? जरा आना मेरे साथ। क्या हुआ माँ, क्या बात है? अरे बेटा, ये बहू का बाप निहाल चंद तो बड़ा ही काइंगा निकला। अरे बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा था लेकिन हवाई जहाज दिखाकर ये साइकिल पकड़ा दे। हाँ माँ, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, लेन देन की बात तो आपको करनी थी ना। अब उसे कितना निचोड़ना है इस बात का फैसला आप लोग करें। तू भी सच कह रहा है बेटा, लेकिन इस बार हम ये खेल किसी दूसरे तरीके से खेलेंगे। हाँ बेटे, अब की बार ये खेल हम किसी अलग ढंग से खेलेंगे। तू मेरी बात सुन, हाँ
हाँ मां, मैं समझ गया। यानी अब मुझे उसे मायके भेजना होगा। गायत्री, बेटी की शादी हो गई, एक बड़ी चिंता, बड़ा बोझ उतर गया। अब चैन आया है मन को। अरे लेकिन तुम्हें क्या हुआ? कभी कभी ऐसा लगता है हमने अपनी बेटी के साथ बड़ा अन्याय किया है, बड़ी जाति की है हमने उसके साथ। अरे ये क्या कह रही हो गायत्री, क्या जाति की हमने उसके साथ? जिस तरह से पूर्णिमा को रमेश पसंद था और रमेश भी पूर्णिमा को पसंद करता था, कितना अच्छा होता हम अपनी बेटी की शादी उसकी पसंद के लड़के से कर देते। मैं माँ हूँ, अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानती हूँ। मुझे आज भी पूर्णिमा की वो सारी बातें याद आ रही हैं। पिताजी, पिताजी मैं रमेश को अपने साथ लेके आई हूँ। रमेश, नमस्ते जी। पिताजी, आप अगर एक बार इसे मिलेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि मेरी पसंद बिल्कुल गलत नहीं है। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं पिताजी, मैं बहुत खुश होंगी इसके साथ। पूर्णिमा, तुम मेरी इज्जत बर्बाद करने पर क्यों तुली हो? तुम्हारी सगाई हो चुकी है बलिराम के साथ। सगाई हुई है पिताजी, शादी तो नहीं। तोड़ दीजिए ये सगाई। क्या सगाई तोड़ दूं? मेरी एक बात का जवाब दोगी तुम? जब इस रिश्ते की बात चल रही थी तब तुमने मुझे क्यों नहीं रोका? उस समय हिम्मत नहीं जुटा पाई पिताजी, डर लगता था आपसे। और अब हिम्मत जुटा ली तुमने? डर निकल गया तुम्हारे मन से? और क्या कहकर तोड़ू मैं ये सगाई? कह दूं कि मेरी बेटी एक ऐसे लड़के से प्यार करती है जिसे मैं जानता तक नहीं, जिसके खानदान के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं। और जब लोग मुझसे कहेंगे कि अगर मैं जानता था कि मेरी बेटी किसी और से प्यार करती है तो मुझे ये रिश्ता जोड़ने की क्या जरूरत थी, ये सगाई करने की क्या जरूरत थी, तो मैं क्या जवाब दूंगा उन्हें? मजाक समझ लिया है तुमने इसे? लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे मेरा, हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ये रिश्ता, ये सगाई का बंधन दो परिवारों की इज्जत का सवाल है। और एक बात अच्छी तरह से समझ लो, बेटी मां बाप के जिगर का टुकड़ा जरूर होती है, लेकिन साथ ही साथ वो मां बाप की नाक भी होती है। नाक कट जाए तो जिंदगी मौत से बदतर हो जाती है। तुम्हारी शादी उसी घर में होगी, मनसाराम के बेटे बलिराम के साथ। और अगर तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ कदम उठाया तो मैं अपनी जान देने में जरा भी देर नहीं करूंगा। लड़के, अगर तुम्हारी रगों में शरीफ मां बाप का खून दौड़ रहा है तो तुम आज के बाद मेरी बेटी पूर्णिमा की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखोगे। तुम जा सकते हो। पिताजी, पूर्णिमा की मां, मैंने जो कुछ भी किया सोच समझकर और अपनी बेटी के भविष्य को ध्यान में रखकर किया। आजकल अच्छे लड़के मिलते कहां हैं? लड़कियां बूढ़ी हो जाती हैं अच्छे रिश्तों के इंतजार में। और मैंने जहां रिश्ता किया है वहां इतना दहेज दिया है कि वो लोग खुश होंगे। अरे इस वक्त कौन आया है? मैं देखता हूं। अरे पूर्णिमा बेटी, तुम दामाजी कहां हैं? मैं अंदर आ जाऊं? आ जा बेटी, आ जा, आ जा। माँ, सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ माँ, ठीक ही है। लेकिन बेटी तू अकेली कैसे चली आई? वो पिताजी। ओ, सब ठीक है ना बेटी? हाँ माँ। हेलो भाई साहब, मैं आपका समधी मनसाराम बोल रहा हूँ। नमस्ते। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। क्या बात है भाई साहब, सब कुशल मंगल तो है ना? वो तो सब पता नहीं, मगर
मैं आपको बताऊं कैसे? आता है भाई साहब। वो क्या है, हमारी बहू घर पर नहीं है, न जाने किसी को बिना बताए कहां चली गई है वो। हम सब लोग बहुत परेशान हैं यहाँ। वो बात ऐसी है भाई साहब के वो अभी अभी यहाँ आई है। अच्छा अच्छा, वो आपके घर आई है? हाँ भाई साहब, अभी अभी आई है। बहुत अच्छा लगा ये सुनकर भाई साहब, हमारे सर से चिंता का बोझ हल्का हो गया। मगर आप एक बात हमारी बहू से जरूर पूछिएगा, अगर उसे अपने मायके ही जाना था तो हमसे बताकर जाती, हम उसे मना तो नहीं करते ना। तो क्या वो आपको बिना बताए यहाँ चली आई है? हाँ भाई साहब, और उसके जाने के बाद अब हम सब लोग यहाँ बहुत परेशान हो गए। भाई साहब, मैंने ये सोचकर आपको फोन किया कि वो आपकी इकलौती बेटी है और अपने मायके के अलावा कहाँ जाएगी वो। ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ, मैं बलीराम को भेज दूंगा उसे लाने के लिए। अच्छा, रखता हूँ फोन। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते जी। सुनिए जी, गुस्से में तो आपने मेरी एक बात नहीं मानी और पूर्णिमा की शादी उस घर में कर दी, और आज जिन हालात में वो यहाँ आई है। गायत्री, मैं उससे कुछ नहीं पूछूंगा, लेकिन तुम उससे जरूर पूछो। पूछो उससे कि वो ससुराल में किसी को कुछ बिना बताए यहाँ कैसे चली आई। लेकिन पूर्णिमा तो कुछ और ही बता रही है। वो बता रही है कि दामाद जी अपने पिताजी से अलग होकर कोई कारोबार करना चाहते हैं। कुछ रुपया तो उनके पास है और बाकी मदद वो हमसे चाहते हैं। ये झूठ है गायत्री, ये सच नहीं है। पिताजी, यही सच है। ये सच हो ही नहीं सकता। अभी अभी तुम्हारे ससुर जी का फोन आया था, उन्होंने कहा कि तुम उन्हें बिना बताए यहाँ चली आई हो। लेकिन पिताजी, यहाँ तक तो आपके दामाद ही मुझे छोड़कर गए हैं। क्या? हाँ, उन्हें किसी जरूरी काम से जाना था, इसे वो यहाँ पर नहीं आए। बेटी, मुझे सच सच बताओ, कहीं कोई और बात तो नहीं है? और बात क्या हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अभी तक रमेश को भूल नहीं पाई? पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो उसी दिन उसे मिलना जुलना बंद कर दिया था जिस दिन आपने जान देने की धमकी दी थी। कितने लाड़ प्यार से पाला है आपने मुझे, आपके विश्वास को मैं कैसे धोखा दे सकती हूँ? और पिताजी, अगर मुझे ऐसा ही कुछ करना था तो मैं शादी से पहले भी कर सकती थी, और आप मुझे रोक नहीं सकते थे क्योंकि मैं बालिग हूं। छी, ये आप किस तरह का इल्जाम लगा रहे हैं बेटी पर? गायत्री, अब मैं किसकी बात सच मानूं? जो ये कह रही है, अगर वो सच होता तो इसके ससुर की बातों से मुझे उसकी भनक जरूर मिल जाती। तुम्हें अपनी बेटी की बातों पर भरोसा नहीं है? मुझे तो इसकी एक एक बात सच लग रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमसे बेटी की आड़ में पैसा खींचने की एक चाल है उनकी। नहीं गायत्री, कमीने से कमीना और लालची से लालची आदमी भी इतना जल्दी अपना रंग नहीं बदलता। मुझे जिंदगी का बहुत तजुर्बा है। पिताजी, आप मेरी बात माने या ना माने, मैंने तो आपको बता दिया है कि मैं आपसे मदद मांगने के लिए आई थी, क्योंकि जिस तरह से आपके दामाद ने मुझे बातें बताई हैं, जिस तरह से इन लोगों का पिछले हफ्ते से बर्ताव रहा है, उससे तो यही पता चलता है कि मेरे ससुर में और मेरे पति में बनती नहीं है। मैं उस घर में नहीं हूं पिताजी, मेरी तो मजबूरी यह है कि मैं कुछ बोल भी नहीं सकती। मुझे इस बात का शक उसी दिन हो गया था जिस दिन आपने मुझे इस घर से विदा किया था। कोई भी बाप अपने बेटे को उस समय नहीं बुलाता जिस समय वो अपनी पत्नी के साथ हो और जो सुहाग की सेज पर बैठी हो। आप मेरा विश्वास कीजिए पिताजी, जिस समय मैंने अपने पति के साथ अग्नि के फेरे लिए, उसी समय उसी अग्नि में रमेश की सारी यादें मैंने जला दी।
आप मेरा विश्वास कीजिए पिताजी। मैं जानती हूँ बेटी, तुझे अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर तेरी चिंता सही है तो तेरे पिता मदद जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तू परेशान मत हो, चल तू पहले कुछ खा ले। चल माँ, माँ क्या है? ठीक है ठीक है। माँ जी, वो मैं अपने मायके आपकी इजाजत लेकर ही गई थी, लेकिन मेरे पिताजी कह रहे थे कि। क्या मतलब? मैंने कुछ कहा तेरे पिताजी से? आपने कुछ नहीं कहा, पर बाऊजी ने फोन करके इसके पिताजी को बोला। नहीं बेटा, यहाँ से किसी ने कोई फोन नहीं किया। अब समधी जी अपनी बेटी से ये सब क्यों कह रहे हैं, ये तो भगवान जाने या समधी जी जाने। माँ, सब जानते हैं कि बाऊजी और मेरी नहीं बनती, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि वो मेरे ससुराल में ऐसे फोन करें। मैं सोच भी नहीं सकता था कि बाऊजी ऐसा करेंगे। अरे मैंने कहा ना, यहाँ से किसी ने कुछ नहीं कहा। अब समधी जी और तेरी बीवी तेरे और तेरे बाबूजी के झगड़े को बढ़ाकर तुझे हमसे अलग करना चाहते हैं, तो और बात है। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं। पूर्णिमा, तुम अंदर जाओ। लेकिन मैंने कहा ना, तुम अंदर जाओ। ठीक है। पूर्णिमा, माँ की बात का बिल्कुल बुरा नहीं मानना। ठीक है, नहीं मानूंगी। अच्छा एक बात बताओ, जो काम मैंने कहा था वो हुआ? हाँ, सूटकेस में है। सुनो माँ जी और बाबूजी लाख नाराज हो, लेकिन आपका उनसे अलग होने की बात करना कोई अच्छी बात नहीं है। पूर्णिमा, तुम बाऊजी को नहीं जानती, मैं जानता हूं। ये तो पिताजी ने हम पर विश्वास करके पैसे भिजवा दिए, और अब जो कदम मैंने उठाया है मैं उसे पीछे नहीं हटाऊंगा। अच्छा ये बताओ कि कितने पैसे लाई हो? 50,000। 50,000? हाँ, शादी में बहुत खर्चा हुआ था, पिताजी का हाथ भी बहुत तंग था। ये रकम भी उन्होंने कर्ज लेकर दी है। पूर्णिमा, तुम्हारे बाबूजी कितने अच्छे हैं, तुम्हें 50,000 रुपए दिए और मुझसे जिक्र तक नहीं किया। ये अलग बात है कि 50,000 से मेरा कुछ नहीं होगा, दोस्तों और रिश्तेदारों से 2-3 लाख रुपए का और इंतजाम करना पड़ेगा, तब जाके काम शुरू होगा। पर तुमने जो मेरे लिए किया वो हर लड़की नहीं करती। आजकल की लड़कियां तो बस, सच कहूं पूर्णिमा, तुम बहुत अच्छी हो, सच। संतोष, संतोष, अरे संतोष कहां चल गए? संतोष क्या है? सुन रही हूं, बहरी नहीं हूं। सुन रही हो ना, तो ये खबर सुनकर तुम्हारे कान के पर्दे फट जाएंगे। अरे लूट गए हम, बर्बाद हो गए। हराम, क्या हुआ? मैं बस के अड्डे से गुजर रहा था तो वो अपने नासिक वाले बेनी प्रसाद है ना, उनसे भेंट हो गई। हराम, तो क्या बेनी प्रसाद ने तुम्हें लूट लिया? अरे पूरी बात तो सुनो भाग्यवान, बैठो बैठो। ये बेनी प्रसाद की बड़ी लड़की है ना, वो अब शादी के लायक हो गई है। अगर हम बलिराम की शादी उनकी बेटी तारा से करते हैं तो दहेज के अलावा 5 लाख कैश भी मिलता है। हाय, मैं मर गई, फूट गए हमारे नसीब। आप सच कहते हो जी, हम सचमुच लूट गए। अरे जो फेरों पर 5 लाख देने को तैयार हो, वो तो सोने का अंडा देने वाली सोने की मुर्गी है। हाँ, है तो वो सोने की मुर्गी, मगर यहाँ से भी कुछ आया होगा ना? कुछ खास नहीं बाबूजी।
सिर्फ 50,000। क्या सिर्फ 50,000? हाँ माँ, सिर्फ 50,000। और पाऊजी, उसके लिए भी मेरे ससुर को कर्ज लेना पड़ा। लगता है अब इन तिलों में तेल नहीं है। लेकिन अब ये 10,00,000 की आसामी जो है, इसका क्या करूं? इसका क्या करना है, जाकर पकड़ लो। हाँ पकड़ लो, लेकिन इसका क्या करे संतोष? इसका भी वही करेंगे जो पहली वाली का किया। लेकिन तुम मेरी बात नहीं समझती। लेकिन लेकिन छोड़ो, पहली वाली का किसी को पता चला? इसमें बलिराम की राय लेना बहुत जरूरी है। बाऊजी, आज तक मैंने आपकी बात टाली है, जो अब टालूंगा। और ज्यादा से ज्यादा होगा भी क्या, फांसी तो होगी नहीं। शाबाश बेटे, बहुत अच्छे बेटे। अब भगवान का नाम लेकर शुरू करते हैं शुभ कार्य। हाँ तो अब बताइए, आप यहां कैसे? दरअसल बेनी प्रसाद जी, मैं बहुत परेशान हूं। क्यों, क्या परेशानी है? क्या बताओ बेनी प्रसाद जी, अभी महीने भर पहले ही मैंने मेरे इकलौते बेटे बलिराम की शादी की थी। पता नहीं पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे, कैसी बदचलन और बदमिजाज बहू मिली है हमें। हमसे बिना बताए घर से चली जाती है और फिर बेशर्म होकर घूम फिर कर वापस घर चली आती है। ऐसी आवारा और बदचलन बहू को आप वापस कैसे आने देते हैं? तो क्या करूं, लोगों के सामने अपनी इज्जत का तमाशा करूं? मेरा बलि तो इस लड़की से शादी नहीं करना चाहता था। ये तो हमारी मत मारी गई थी कि इस जहर को हम अमृत समझे और मेरे सीधे साधे भोले भाले बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। बेनी प्रसाद जी, जी चाहता है कुछ खाकर अपनी जान दे दो। अरे आप क्या कह रहे हैं मनसाराम जी, आप क्यों जान देंगे अपनी? छुट्टियां पकड़कर निकालिए उस लड़की को घर से बाहर, छुटकारा पाइए उससे। आखिर इस दुनिया में कोई कायदा कानून है कि नहीं? बेनी प्रसाद जी, कुछ भी करने से पहले मैं ये सोचता हूँ कि ये समाज क्या कहेगा, ये दुनिया क्या कहेगी। अरे दुनिया और समाज को मारिए गोली और पहले अपने बेटे की जिंदगी को देखिए। अभी उसकी उम्र ही क्या है, अगर उसने अपने आप को कुछ कर लिया तो सारी उम्र रोते रहेंगे आप। नहीं 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 बेनी प्रसाद जी, आप ठीक कह रहे हैं। मैं अभी घर जाकर उस काली नागन से छुटकारा पाता हूं। आपने मेरी चिंता का बोझ हल्का कर दिया, धन्यवाद। हाजी ऐसी भी क्या जल्दी है, रुकिए और खाना वाना खा कर जाइए। अब खाना कहाँ गले से नीचे उतरेगा बेनी प्रसाद जी, वहाँ मेरे बेटे के सर पर सदमे की ऐसी बिजली गिरी है, शर्म के मारे उसने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। तो आज्ञा दीजिए, चलता हूँ मैं। रुकिए मनसाराम जी। जी देखिए, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। मैं कुछ समझा नहीं। मैंने अभी तक तो आपको समझाया ही नहीं। अगर एक लड़की आवारा और बच्चलन निकले तो इसमें आपका या आपके बेटे का क्या दोष है? छुटकारा पाइए उस लड़की से। लड़कियों की कमी तो नहीं है दुनिया में, सभी जानते हैं कि आप लोग शरीफ आदमी हैं और शरीफ लोगों की औलाद भी शरीफ ही होती है। उसे कोई भी शरीफ और सुशील लड़की मिल जाएगी। ये आप क्या कह रहे हैं बेनी प्रसाद जी, अरे कौन देगा मेरे बेटे को अपनी बेटी? मनसाराम जी, आप दोस्त समझकर मेरे पास आए हैं, मैं निभाऊंगा आपके साथ दोस्ती। मैं कुछ समझा नहीं बेनी प्रसाद जी। देखिए, आप मेरे पास राय लेने आए थे और मैंने आपको सही राय दे दी। अब बस जल्दी से उस लड़की से छुटकारा पाइए और आइए मेरे घर में शगुन लेकर, मेरी बेटी तारा के लिए। जी जी हाँ बेनी प्रसाद जी, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत बहुत मेहरबानी बेनी प्रसाद जी, आपने मेरे बेटे की जान बचा ली। और आप तो इंसान के रूप में देवता है, देवता है बेनी प्रसाद जी, देवता। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? आप धन्य है बेनी प्रसाद जी, आप धन्य है, धन्य। अरे दामाद जी, आप कैसे हो बेटा? ठीक मजे। कौन आया है?
जी दामाद जी आए हैं। अरे दामाद जी आप जाओ बेटा, बाबूजी के साथ बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। अच्छा जी दे रहो। क्या बात है बेटे, कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो? हाँ बाबूजी, परेशान तो हूँ, और सच बात यह है कि अभी ये परेशानी छुपाई भी नहीं जा सकती। लेकिन बेटे आखिर हुआ क्या है? बाबूजी पूर्णिमा, क्या क्या हुआ बूढ़ी माँ को? पूर्णिमा कल से लापता है। क्या? घर पे बिना किसी को कुछ बताए पता नहीं कहाँ चली गई। मुझे तो लगा कि शायद वो यहाँ आई होगी। वो यहाँ नहीं आई बेटे। यहाँ नहीं आई? नहीं। तो फिर कहाँ गई होगी? बाबूजी घर में सब उसको तलाश कर रहे हैं, सब परेशान हैं। क्या? हाँ बाबूजी, अभी तक हमने ये बात सबसे छुपा कर रखी थी, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बार हो चुका है। यहां तक कि पिछली बार जब वो यहां आई थी तो मेरी मर्जी के खिलाफ आई थी। लेकिन बेटे उसने तो कहा था कि तुम उसे यहां छोड़कर गए थे। क्या? मैं छोड़कर गया था? हाँ बेटे, और वो यहां से 50,000 रुपए भी ले गई थी। क्या? हाँ, और उसने तो ये भी बताया कि तुम्हारे और तुम्हारे पिताजी के बीच कुछ अनबन चल रही है। नहीं बाबूजी, ये सरासर झूठ है, ये बिल्कुल सच नहीं है। मुझे तो हैरत हो रही है कि उसने आपके साथ ऐसा क्यों किया। बाबूजी मैं भगवान की सौगंध खा के कह रहा हूं, मुझे 50,000 के बारे में कुछ नहीं पता, और अगर उसे पैसे चाहिए थे तो वो मुझसे मांग सकती थी, मैं उसे देता। और आप बताइए हमें किस चीज की कमी है? भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, फिर हम आपसे पैसे क्यों मांगेंगे? बाबूजी अगर हमें पैसे मांगने होते तो हम शादी से पहले दहेज में डिमांड करते, पर हम उन कमीनों में से नहीं है जो दहेज मांगते हैं। बाबूजी घर में सब परेशान है, उसका फोन आए या उसका पता चले तो मुझे जरूर बता दीजिएगा। अरे सर आप बंद कर अपनी जुबान, दुनिया में कई कमीने होते होंगे लेकिन तुझ जैसा कमीना। ये क्या कह रहे हैं सर आप? ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, पता पूर्णिमा कहाँ है? पूर्णिमा वही होगी जहां से आपने भेजा था। मुझे तो पूर्णिमा से मिले ठीक 6 महीने हो गए हैं, और जब से आपने मुझे मना किया था पूर्णिमा से मिलने के लिए तब से आज तक मैं उससे कभी नहीं मिला। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने तो ये सोचकर उसकी शादी अच्छे घर में करवा दी थी कि वो तुझे भूल जाएगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो शादी के पवित्र बंधनों को भूलकर तेरे साथ। बस बस कीजिए सर, बहुत बोल चुके हैं आप, लगता है आप अपने होश और हवास खो बैठे हैं। ये सच है कि मैं पूर्णिमा से प्यार करता था और आज भी करता हूं, लेकिन पूर्णिमा जैसी शरीफ और अच्छी लड़की के जिस्म को छूने के ख्याल से भी मैं घबरा जाता हूं। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अगर इस दुनिया में पूर्णिमा नाम की लड़की शरीफ नहीं है, पवित्र नहीं है, तो पवित्र नाम की चीज से इस दुनिया का विश्वास उठ जाएगा। सर मैं आपकी इज्जत करता हूं, मैं समझ सकता हूं कि पूर्णिमा के साथ जरूर कोई हादसा हुआ है जिसकी वजह से आप अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। अगर आपकी जगह अल्फाज मेरे अपने बाप ने भी कहे होते तो मैं उनका भी अपमान करता। मुझे सोचकर शर्म आती है कि आपने अपनी बेटी पर, उसकी निष्ठा पर, उसके चरित्र पर कीचड़ उछाला है। कैसे बाप हैं आप, कैसे बाप हैं आप? जो लड़की 20 साल आपकी नजरों के सामने रही, अगर आप उसे नहीं समझ सके तो मुझे आप पर और आपकी समझ पर, दोनों पर बहुत अफसोस है। सर इससे पहले कि मैं होशो हवास गवा बैठू और आपकी शान में कोई गुस्ताखी करूं, प्लीज आप यहां से चले जाइए। अरे आप कहां थे आप? कहाँ थे आप?
बताइए ना कहाँ थी? मत पूछ गायत्री कि मैं कहाँ था। मैं हर उस जगह जाकर आया हूं जहां पूर्णिमा के होने की उम्मीद हो सकती थी, पर वो नहीं मिली। गायत्री, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, हमारी इज्जत सरे बाजार नीलाम हो गई। गायत्री, पूर्णिमा की ससुराल वालों ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई है, अब पुलिस भी उसकी तलाश करेगी। भगवान जाने वो कहां है। हो तुम पूर्णिमा? पूर्णिमा, आप यहां क्यों आई हो? क्या हमारी इतनी बदनामी काफी नहीं थी? अरे तूने तो हमें जीते जी मार डाला, कमबख्त तू मर क्यों नहीं गई? कहाँ हूँ पिताजी? मेरी लाश तो इस वक्त यहां से बहुत दूर पड़ी है। आपके सामने आपकी बेटी नहीं, उसकी आत्मा है। नहीं। ये क्या हो गया पूर्णिमा? ये क्या हो गया? अब रोने से क्या फायदा माँ? पिताजी, आपने मुझे दहेज के लोभियों के घर भेज दिया। उसी ने, यानी मेरे पति ने मुझे यहाँ पे भेजा था आपसे रुपया लेने के लिए। लेकिन बेटी, वो तो कहता है कि उसे रुपए मिले ही नहीं और उसको रुपयों के बारे में कुछ भी पता नहीं। ये सब गलत था, ये सब झूठ था पिताजी, ये सब उनकी साजिश थी। इस सब के पीछे एक बहुत गहरा राज है। लेकिन कुछ भी हो, मैं उन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। बेटी, ये जो कुछ भी हुआ उसके लिए तू मुझे माफ कर दे। मैं तो तुझे ढूंढने के लिए रमेश के घर भी गया था, वहां मैंने उसे बहुत बुरा भला भी कहा। इस सब में उस बेचारे का क्या दोष पिताजी? मेरी इज्जत पर कोई धब्बा ना लगे, मुझ पर कोई उंगली ना उठाए, इसलिए उसने मुझसे मिलना ही बंद कर दिया था। बस एक बार शादी से पहले उसका फोन आया था, और वो भी यही बताने के लिए कि वो मेरा नाम लेकर जिंदगी गुजार देगा, लेकिन मुझसे मिलने नहीं आएगा। ये सब हुआ कैसे? मैं जानती हूँ बेटी, दहेज के लोभी पराई बेटी के साथ कुछ भी बुरे से बुरा सलूक कर सकते हैं। माँ, वो लोग बड़े चालाक हैं, ये सब अचानक ही हुआ। मुझे शक था कि उस घर में कोई साजिश चल रही है, लेकिन उन लोगों ने ये नाटक बहुत खूबसूरती से खेला। मेरे घर से भाग जाने की अफवाहें फैला दी उन लोगों ने। अब आप पुलिस के पास जाएंगे तब भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। मेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, ये मेरे सिवाय और उनके सिवाय और कोई नहीं जानता पिताजी। चाहे कुछ भी हो बेटी, लेकिन मैं उन कमीनों को छोड़ूंगा नहीं, नहीं छोड़ूंगा उन कमीनों को। कोई फायदा नहीं होगा पिताजी, आप कुछ नहीं करेंगे, कोई कुछ नहीं करेगा। अब जो भी करना है मैं करूंगी, उनसे बदला मैं लूंगी, मैं करूंगी अपना इंसाफ, मेरी अदालत होगी, मैं ही मुंसिफ बनूंगी और सजा भी मैं ही दूंगी, और आप देखेंगे। बेटी, बेटी।
गायत्री, गायत्री सच तो ये है कि पूर्णिमा का असली गुनहगार मैं हूं। अगर मैंने पूर्णिमा का हाथ रमेश के हाथ में दे दिया होता तो हमें आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। गायत्री, हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। किसे फोन कर रहे हो रमेश? पूर्णिमा, तुम? सब लोग घर पर तुम्हारे लिए परेशान हैं। अभी मैं तुम्हारे ही घर पर फोन कर रहा था। मैं जानती हूं, लेकिन ये सब क्या हो रहा है? आखिर तुम थी कहां? मैं इस वक्त कहां हूं तुम सोच भी नहीं सकते रमेश। और मेरी लाश ऐसी जगह पर है जहां पर कोई पहुंच भी नहीं सकता। ये सब क्या कह रही हो तुम? हाँ रमेश, मैं जिस्म नहीं आत्मा हूं। पूर्णिमा प्लीज, प्लीज इस वक्त मेरे साथ मजाक मत करो। सच सच बताओ तुम कहां थी? यकीन नहीं आता तो छूकर देखो मुझे। जरूर देखूंगा। पूर्णिमा तुम? हाँ रमेश, मैं दहेज की भेंट चढ़ गई। उन लोगों ने पहले मुझे बदनाम किया, मेरे चाल चलन पर कीचड़ उछाला, और वो भी इस तरह कि उनकी चाल का मुझे पता ही नहीं चला। और फिर एक दिन वो लोग मुझे कुलदेवी के मंदिर ले जाने के बहाने अपने साथ ले गए। ये कहीं गलत रास्ते तो नहीं आए हम? नहीं, हम गलत रास्ते पर नहीं जा रहे। हम अपने कुल देवी के दर्शन करने जा रहे हैं। ये कहां लेके आए आप? यहां पे तो कोई मंदिर नहीं है। सुनो जी, माँ जी, बाबूजी, क्या कर रहे हैं आप? नहीं, प्लीज।
भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए प्लीज प्लीज। ऐसा नहीं कर सकते आप। ये लो बलि बेटे, ये शुभ काम तुम अपने हाथों से करो। ऐसा मत कीजिए, नहीं सुनिए। पूर्णिमा, ये कैसा जुल्म हुआ है तुम्हारे साथ, वो भी उस देश में जहां नारी को देवी की तरह पूजा जाता है। ये अन्याय, ये अत्याचार आखिर कब तक? मैं उन तीनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो तुम्हारे साथ हुआ है वही उन तीनों के साथ भी होगा। नहीं रमेश, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं उनको ऐसी मौत मारूंगा जो कभी किसी ने सोची भी नहीं होगी। नहीं रमेश, अगर तुम मेरे कातिलों को मार दोगे तो तुम्हें भी फांसी हो जाएगी और उनका गुनाह साबित नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनके गुनाह की गवाह मैं हूं, सिर्फ मैं। और एक बेजान लाश एक गवाह, एक सबूत नहीं हो सकती। तो क्या तुम अपने कातिलों को यूं ही जाने दोगी? अगर मुझे फांसी होती है तो हो जाने दो। जिस दुनिया में तुम नहीं रहे उस दुनिया में मैं रहकर क्या करूंगा? नहीं रमेश, तुम्हें जिंदा रहना होगा मेरे लिए। मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूं कि अब जब मैं इस दुनिया में नहीं रही, मेरे मां बाप बेसहारा हो गए हैं, तुम्हें उन्हें संभालना है। और फिर तुम ये मत समझो कि मेरे कातिल किसी और मासूम लड़की की जान लेने के लिए जिंदा रहेंगे। उनका बदला मैं लूंगी, उन्हें गुनाह की सजा मैं दूंगी, और वो भी तुम्हारी मदद से। तुम? मगर कैसे? कहा ना मैंने, तुम्हारी मदद से। क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? करूंगा, हमेशा करूंगा। तो जो मैं कहती हूं सुनो। बेनी प्रसाद जी, आप ऐसे समय पर आए हैं कि। मनसाराम जी, मैं सही समय पर आया हूं। मैं आपके दुख में शरीक होने आया हूं। देखिए मनसाराम जी, इससे पहले भी मैंने आपको यही कहा था कि जो हुआ उसे भूलने की कोशिश कीजिए, इसमें आपका कोई दोष नहीं है और आपको शर्मिंदा होने की जरूरत भी नहीं है। मनसाराम जी, मैं एक दोस्त होने के नाते आपके पास एक प्रस्ताव लेकर आया हूं। कैसा प्रस्ताव? आप मेरी बेटी तारा को अपने घर की बहू बना लीजिए। जी बेनी प्रसाद जी, ये तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी है। देखिए मनसाराम जी, मैं जानता हूं कि आप शरीफ खानदान के लोग हैं और मुझे विश्वास है कि मेरी बेटी आपके घर में बहुत खुश रहेगी।
अगर आपको एतराज ना हो तो सगाई की रस्म अदा कर दीजिए। मैं आपको कैसे इनकार कर सकता हूं, आप तो अंधे की लाठी बनकर आए हैं। क्यों संतोष? ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सगाई का समय हो गया है, कन्या को बुलाइए। बस पंडित जी, अभी आती ही होगी। बधाई हो, बधाई हो बेनी प्रसाद। मुबारक। जरा मेरे साथ आएंगे प्लीज? देखिए मनसाराम जी, अब उस लड़की से जल्दी से तलाक लीजिए और मेरी बेटी के साथ शादी का मुहूर्त निकलवाइए। जी बेनी प्रसाद जी, आपने एक बहुत बड़ी लज्जा से मुझे मुक्ति दिला दी। अब छोड़िए इन सब बातों को और शादी की तैयारी कीजिए। और हाँ, मैंने अपने पांचों बेटियों की शादी का इंतजाम पहले से ही करके रखा हुआ है। हर बेटी को दहेज के अलावा 10 लाख रुपया नगद। नहीं 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 बेनी प्रसाद जी, मुझे ना ही रुपए चाहिए ना ही दहेज चाहिए। मुझे तो बस एक ऐसी बहू चाहिए जो मेरे घर की इज्जत को बनाए रखे और मेरे बेटे की जिंदगी को खुशियों से भर दे। जी मनसाराम जी, आप जैसा चाहते हैं ना, बस वैसा ही होगा। जी देखा संतोष, किस तरह से मैंने हालात को अपने पक्ष में कर लिया। पूर्णिमा से छुटकारा और बेनी प्रसाद की बेटी तारा से रिश्ता। ना इंग लगी ना फिटकरी और रंग हुआ चोखा। ये तो सचमुच आपने कमाल ही कर दिया। अरे संतोष, इसे क्या हुआ? अरे बलि, तुझे क्या हुआ? क्या तू इस रिश्ते से खुश नहीं है? मां रिश्ते से खुश हूं, पर बाऊजी ने ये क्या किया मेरी समझ में नहीं आया। मैंने क्या किया बेटे? बाऊजी मेरी समझ में नहीं आता कि आपने ये सगाई का झमेला ही क्यों डाल दिया। अगर सीधे शादी होती ना तो बहू तो घर में आती, 10 लाख रुपए भी घर में आते। बलिराम, इसलिए तू मेरा बेटा है और मैं तेरा बाप हूं। तेरी नजर सिर्फ 10 लाख पर है और मेरी नजर है 50 लाख पर। अब तू उनका होने वाला दामाद है और तेरी हर तकलीफ पर उनके प्राण निकलेंगे। अब ये तुझ पे निर्भर करता है कि तू कितनी खूबसूरती से, कितनी चालाकी से उन्हें अपने जाल में फंसाता है। बाऊजी, ये क्या हो गया? बलिराम, बाऊजी, ये यहाँ कैसे लगी? बाऊजी बुझाओ इसे। गिराओ, गिराओ, नीचे गिराओ, नीचे गिराओ, जल्दी। बुझाओ इसे, अरे बलि, बुझाओ इसे। बाऊजी क्या हो रहा? बाऊजी, आग लगी कैसे? बलि बेटे, पैर संभालना तुम्हारे। देखो, मेरी गाड़ी को,
बिल्कुल फिर ना करे वहां। संभालो संतोष, संभालो अपने आप को, संभालो संभालो संतोष। मुझे क्या हो रहा है पता नहीं, ये सब क्या हो रहा है। रमेश, मुझे इन लोगों पर इतना गुस्सा आ रहा है कि लग रहा है अभी इन्हें जलाकर भस्म कर दूं। मगर क्या करूं, मजबूर हूं। रमेश, जो नाटक मेरे साथ शादी के बाद खेला गया वो इनके साथ अभी शुरू हो रहा है, और इस सब का कारण है वो माँ बाप जो अपनी बेटियों को भेड़ बकरी समझते हैं। ये बेनी प्रसाद बिना कोई जांच पड़ताल किए अपनी बेटी को ये अंधे कुएं में कैसे झोंक रहा है। तो क्या ये लोग अपनी चाल में कामयाब हो जाएंगे? हाँ, ये लोग बहुत चालाक हैं, बहुत दुष्ट हैं। लेकिन हमें रोकना होगा इन लोगों को, हमें कुछ करना होगा। आखिर कब? उनके पाप का घड़ा भर जाएगा तब। बलिराम बलिराम बलिराम, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? बेटे, मैं तुम्हें अपना कारोबार शुरू करने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ। कारोबारी में लोग अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, बैंकों से कर्ज लेते हैं। लेकिन बेटे, ये तो नई नई रिश्तेदारी है और इसमें ये कर्ज लेना, नहीं नहीं बेटे, ये अच्छी बात नहीं है। बेटे, वो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? भौजी, मैं कोई भीख या दान नहीं मांग रहा हूँ, कर्ज मांग रहा हूँ, और जैसे ही मेरा काम हो जाएगा सारा पैसा लौटा दूंगा। नहीं 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 बलि, ये नहीं हो सकता। बेटे, इस मनसाराम ने आज तक किसी के सामने अपना माथा नहीं टिकाया सिवाय भगवान के। ये बेनी प्रसाद पहले मेरे मित्र थे और अब रिश्तेदार हैं। अरे, एक एहसान तो किया है उन्होंने हम पर, अपनी बेटी इस घर में देकर। अब दूसरे एहसान का बोझ उठाने की हिम्मत नहीं है मुझ में बेटे। अपने बाप की बात मान और ये ख्याल अपने दिल से निकाल दे बेटे। बेटे, ये पैसों की लेन देन है, और पैसे वो भी कम नहीं, पूरे 10 लाख। भौजी, आप मेरे बात समझने की। वाह मनसाराम जी, वाह। अरे बेनी प्रसाद जी, आप? नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार बेटी। नमस्ते। जीती रहो बेटी। नमस्ते। सुखी रहो, सुखी रहो। आइए ना, आइए बैठिए, आइए। बैठेंगे हम बाद में, मगर आपसे एक शिकायत है। कैसी शिकायत? मनसाराम जी, आप सिर्फ मुंह देखे रिश्तेदारी निभा रहे हैं, दिल से नहीं। ये क्या कह रहे हैं बेनी प्रसाद जी? मैंने क्या किया है? क्या किया आपने? आपकी सारी बातें सुन ली है मैंने। जी जी मनसाराम जी, अगर हमारा होने वाला दामाद कुछ कारोबार शुरू करना चाहता है और उसे कारोबार शुरू करने के लिए रुपए की जरूरत है, तो क्या वो रुपए बाहर से लेगा? क्या आपने मुझे इस काबिल भी नहीं समझा? ये क्या कह रहे हैं आप बेनी प्रसाद जी? मैं सच कह रहा हूं मनसाराम जी, अब इस घर में मेरी बेटी भी तो आने वाली है, और बेटी और दामाद में क्या फर्क है? जो दामाद जी चाहते हैं मैं वो दूंगा, और आप इसमें कुछ नहीं बोलेंगे। बेटे बलिराम, मैं कल ही 10 लाख रुपए का ड्राफ्ट बनाकर तुम्हें भेज दूंगा। अब उधर क्या देख रहे हो? मनसाराम जी को कहने के लिए अब कुछ भी नहीं रह गया है, क्यों मनसाराम जी? अब मैं क्या कह सकता हूँ बेनी प्रसाद जी? अरे बेटे, मुझे क्या देख रहे हो बेटे? पांव छुओ, ससुर जी के पांव छुओ बेटे। अरे नहीं नहीं बेटा। Thank you.
आने इधर, सामने क्यों नहीं आता? सामने आओ, कौन है? कौन हो तुम? मैं पूर्णिमा। कौन पूर्णिमा? मैं उस आदमी की पत्नी हूँ जिसके साथ तुम्हारी शादी होने वाली है। ओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? उन शरीफ लोगों के मुंह पर कालक पोत कर चली गई थी ना तू, तो फिर क्यों आई है मेरे पास? उनके खिलाफ उल्टा सीधा कहकर बहकाने आई है मुझे? नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें ये बताने के लिए आई हूँ कि जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ ना हो। अच्छा, जरा मैं भी तो जानू क्या हुआ था तुम्हारे साथ। जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। अब मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। आत्मा? हाँ, यकीन नहीं आता तो छू कर देखो मुझे। डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूं, तुम्हें यह बताने के लिए आई हूं कि जो मेरे साथ शादी के बाद हुआ वो तुम्हारे साथ शादी से पहले ना हो। क्या मतलब है तुम्हारा? उन लोगों ने मेरे माता पिता से भी उसी तरह पैसा ऐठा था जिस तरह तुम्हारे पिता से वो 10 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। शादी से पहले 10 लाख, शादी के बाद और जब कोई और बड़ी आसामी मिल जाएगी तब तुम्हारा भी वही हाल होगा। घर से भाग जाने का इल्जाम और उसके बाद आपका खेल। पर मैं तुम्हारी बातों का यकीन कैसे करूं? वहां खिड़की के बाहर रमेश खड़ा है, वो तुम्हें सारी सच्चाई बता देगा। उन लोगों की वजह से मैं तो इस दुनिया में नहीं रही। कम से कम खुद की जान बचाने के लिए तो उससे बात कर लो। वो बहुत शरीफ लड़का है, उसे भी इस बारे में कुछ पता नहीं था, मैंने ही बताया है। तारा, तुम मेरा यकीन करो या ना करो, मैं तो तुम्हारा भला ही चाहती हूं। आगे तुम्हारी मर्जी। तारा जी, इस तरफ। तारा जी, ये देखिए मेरी बात का यकीन करने के लिए सबूत। तारा जी, ये बड़ा कड़वा सच है, बड़ा भयानक सबूत है ये। पूर्णिमा, मेरा अंजाम तो तुम अपनी आंखों से देख चुकी हो। मुझे उम्मीद है कि मुझे इंसाफ दिलाने में तुम मेरी मदद करोगी। मुझे क्या करना होगा पूर्णिमा? हेलो, कौन? तारा बेटी,
अरे कहाँ से बोल रही हो तुम? पिताजी ये मत पूछिए कि मैं कहाँ से बोल रही हूँ, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या जरूरी बात है? पिताजी आप जो मेरे ससुराल वालों को 10 लाख रुपए देने वाले हैं वो अब नहीं देंगे। अरे अरे क्या तू पागल हो गई है? ये अचानक क्या सूझी है तुझे? पिताजी मैं जो कुछ भी कह रही हूँ बिल्कुल सोच समझ कर कह रही हूँ। शादी से पहले अपने होने वाले दामाद को यूँ पैसे देना कोई अच्छी परंपरा नहीं है। लेकिन जबान देकर पलटना भी तो, लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में? आप कोई बहाना भी तो कर सकते हैं। लेकिन बेटी। पिताजी लेकिन मैं किन कुछ नहीं, इसी में हम सबकी भलाई है, खासकर मेरी। और पिताजी प्लीज प्लीज आप और कोई सवाल नहीं पूछेंगे अभी। पर है कहाँ तू अब? पिताजी मैं फिर फोन करके बताऊंगी। और हाँ आप ये फोन 1 घंटे बाद करेंगे। बलि के पिताजी अपना बलि है बड़ा भाग्यवान, भगवान भी इसको घर बैठे कैसे कैसे रिश्ते भेज देता है। माँ, आज की रात वैसे तो मुझे नींद आएगी नहीं, और अगर आ भी गई ना तो सारी रात सपनों में मुझे 10 लाख रुपए ही दिखाई देंगे। ये देखो ये भी सच बोल रहा है। हेलो कौन? मनसाराम जी, मैं बेनी प्रसाद बोल रहा हूँ। अरे बेनी प्रसाद जी, हाँ 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 कहिए, कैसे याद किया? जी जी वो एक बात कहनी थी आपसे। हाँ 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 कहिए, क्या बात है? जी कल जो मैंने 10 लाख रुपए का ड्राफ्ट देने की बात की थी ना। हाँ 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 जी जी जी, वो काम कल नहीं हो पाएगा जी, उसमें थोड़ी अड़चन आ गई है। मनसाराम जी वो थोड़ा वक्त लग जाएगा। अब, अब, अब। यानी समझिए कि 1 महीना। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है ये कहते हुए। नहीं नहीं आप ये क्या कह रहे हैं बेनी प्रसाद जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल शर्मिंदा मत होइए, आप इस बात को अपने दिल से निकाल लीजिए, ये तो समय समय की बात है बेनी प्रसाद जी, आज ना तो महीने भर बाद। हाँ जी। नहीं नहीं आप इत्मीनान रखिए, हमारी तरफ से इत्मीनान रखिए। हाँ अच्छा, क्या क्या कहा उसने, कल रुपए नहीं दे रहा? बाऊजी यही कहा उसने। हाँ? संतोष तेरा तो सारा का सारा नाटक धरा का धरा रह गया। लेकिन कल तो हाँ करके गया था, अब कौन सी बिल्ली आड़े आ गई? उसने गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। लेकिन मेरा भी नाम मनसाराम है, एक बार उसकी बेटी बहू बनकर इस घर में आ गई ना तो मैं 10 लाख की जगह 50 लाख वसूल करूंगा। बली बेटे, तुम्हारे होने वाले ससुर को और तुम्हारी होने वाली दुल्हन को ये फोन बहुत महंगा पड़ेगा। देखा, ये है इनकी असलियत। मैं तो खुश हूं कि तुमने ये सब वक्त से पहले देख लिया, तुम्हारी जिंदगी तो बर्बाद होने से बच गई। लेकिन मुझे खुशी तब मिलेगी जब तुम्हें इंसाफ मिलेगा, और मुझे इंसाफ तुम दिलाओगी। हेलो बाबूजी, मैं तारा बोल रही हूँ। तारा बेटी? हाँ बोलो बेटी, कैसे फोन किया? जी बाबूजी, पिताजी ने आपको फोन करके कहा कि वो आपको वो 10 लाख का ड्राफ्ट कल सुबह नहीं दे पाएंगे। हाँ ऐसा ही कहा उन्होंने। देखिए बाबूजी, पता नहीं पिताजी ने ऐसे क्यों कहा, ये सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। लेकिन तुम क्यों इसमें परेशान हो रही हो? परेशान कैसे ना हूँ, ये हमारी इज्जत का सवाल है। मुझे उस घर में अपनी जिंदगी गुजारनी है, और पिताजी का इस तरह जबान देकर मुकर जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। देखिए आपके शहर में मेरा बैंक अकाउंट है, मैं आ रही हूँ आपके पास, मैं अपने बैंक से 10 लाख रुपए निकालकर दे दूंगी आपको। क्या तुम दोगी 10 लाख? जी बाबूजी, मैं दूंगी 10 लाख, मैं आ रही हूँ आपके पास, आप तीनों को चलना पड़ेगा मेरे साथ।
हम तीनों को? क्यों, इसमें कोई बुराई है? नहीं 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 बेटी, तुम तो हमारी होने वाली बहू हो। तो फिर आप तीनों चल रहे हैं ना मेरे साथ? हाँ 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 चल रहे ना बेटी, चल रहे हाँ, सुखी रहो बेटी। हाँ अच्छा, थैंक यू तारा जी। अजीब बात है, बाप ने कहा ना और बेटी कहती है हाँ। हम तीनों को जाना है, वो आ रही है हमें लेने। पर बाऊजी, ये कौन सा वक्त है बैंक खुला होने का? इस वक्त तो कोई बैंक खुला नहीं होता। अरे बेवकूफ, तुझे आम खाने से मतलब है या गुटलियां गिनने से? जा जाकर तैयार हो जा। और संतोष जी, आप भी जाकर तैयार हो जाइए, आपकी प्यारी प्यारी बहू आ रही है 10 लाख देने के लिए। अरे वाह भाई वाह, बहू हो तो ऐसी। रमेश, तारा उन तीनों को लेकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो चुकी है। आज उनकी जिंदगी का सूरज हमेशा के लिए डूब जाएगा। पूर्णिमा, वो लोग बड़े खतरनाक हैं। अगर उन्हें तारा पर जरा भी शक हुआ तो वो लोग तारा का भी वही हश्र करेंगे जो उन्होंने तुम्हारा किया था। नहीं रमेश, इस वक्त वो लोग खतरनाक नहीं, लालची हैं। लालची लोग अपने अंजाम से बेखबर उसी खाई की तरफ जा रहे हैं जो उन्होंने दूसरों के लिए चुनी थी। इंसाफ की घड़ी आ रही है रमेश। कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे हैं? नहीं, ये बिल्कुल सही रास्ता है। ये जगह, बहू तुम हमें इस जगह क्यों लाई हो? बाबूजी, यहाँ हमारी कुलदेवी का मंदिर है, आइए दर्शन कर लें। कुलदेवी का मंदिर? ये जगह, लेकिन यहाँ यह मंदिर कहाँ है? अरे याद नहीं आपको, यहीं तो लाए थे आप अपनी बहू पूर्णिमा को। तुझे कैसे मालूम? मुझे मालूम हो गया है सब कुछ, मालूम हो गया है तुम्हारे सारे कारनामे, सारी असलियत खुल गई है। अच्छा, तो तुझे सब कुछ पता चल गया, इसीलिए तू हमें यहाँ लेकर आई है? यानी मैनकी को जुकाम हो गया है? अब जब तुझे सब पता चल ही चुका है तो तू क्या समझती है, हमारे हाथों से जिंदा बच्चा है कि तुम? अरे बेवकूफ लड़की, हम तुझसे पैसा भी वसूल करेंगे और तेरा भी वही हश्र करेंगे जो पूर्णिमा का किया था। पूर्णिमा, पूर्णिमा।
मुझे मारकर तुम लोगों को चैन नहीं आया कि अपना दूसरा शिकार फांसने के लिए अपनी मरी हुई बहू पर आपने ये इल्जाम लगाया कि वो घर छोड़कर दूसरे के साथ भाग गई है? हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया पूर्णिमा, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। मुझे माफ कर दे बेटी, भगवान के लिए। हाँ। माँ, माँ के नाम पे कलंक है तू। और तू, तू कलंक है पति के नाम पर। तू तो सारे फसाद की जड़ है। ससुर के नाम पे एक ऐसा कलंक है जिसे गंगा जल भी नहीं धो सकता। और अब तुम तीनों का शिकार बनने वाली थी तारा। नहीं, नहीं। कहो हाँ या ना। नहीं। ना? मैं तो मर गई लेकिन मेरी आत्मा अशांत थी। तुम तीनों से बदला लेने का मैंने संकल्प किया था जो आज पूरा होगा। हमें हमें छोड़ दो पूर्णिमा, हमें छोड़ दो। नहीं, तुम तीनों में से कोई भी नहीं बचेगा। नहीं, 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 मुझे माफ कर दे बेटी, भगवान के लिए मुझे छोड़ दे। आज मेरी अदालत में तुम तीनों मुजरिम हो और मैं मुनसिफ तुम तीनों को सजाए मौत का हुक्म देती हूँ। नहीं, 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 नहीं। तुम तीनों उसी तरह जलोगे जिस तरह तुमने मुझे जलाया था। माफ कर दो, हमें छोड़ दो पूर्णिमा, हमें हमें छोड़ दो। माँ के लिए मुझे छोड़ दो। नहीं, आज तुम में से कोई नहीं बच सकता। दूसरों की बेटियों को जलाने वाले आज उसी आग में तुम जलोगे। नहीं, 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 माफ, माफ, माफ कर दो, माफ कर दो बेटी, माफ कर दो। तारा, रमेश, गुनहगारों को तो सजा मिल गई लेकिन सिर्फ ये लोग दोषी नहीं हैं, वो मां बाप भी दोषी हैं जो अपनी बेटियों को बोझ समझकर दहेज के लोभियों के घर भेज देते हैं। पूर्णिमा ने तो अपना इंसाफ पा लिया लेकिन हर लड़की तो पूर्णिमा नहीं होती ना, और अब हर लड़की को अपनी जंग अपने आप लड़नी है। पूर्णिमा, तुमने जो एहसान किया है मुझ पर उसे मैं इस जन्म में तो क्या जन्म जन्म तक नहीं चुका पाऊंगी। तारा, अगर तुम चाहो तो मेरी एक इच्छा पूरी करके ना सिर्फ मेरा एहसान चुका सकती हो बल्कि मेरी आत्मा को भी मुक्ति दिला सकती हो। पूर्णिमा, तुम जो चाहोगी मैं वो करूंगी। रमेश के साथ शादी कर लो तारा। पूर्णिमा, रमेश इसे अपना लो। भगवान तुम दोनों को सदा खुश रखे।
अलविदा। प्रिय दर्शकों, अगर आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव है तो हमें लिख भेजिए। यदि कथा फिल्मांकन के योग्य हुई तो हम उसे प्रसारित करेंगे और आपको उचित पारितोषिक भी देंगे। हमारा इस एपिसोड का प्रश्न है, बेनी प्रसाद की कितनी बेटियां हैं और उनके दहेज के लिए उसने कितने पैसे रखे हैं? प्रश्न एक बार फिर, बेनी प्रसाद की कितनी बेटियां हैं और उनके दहेज के लिए उसने कितने पैसे रखे हैं? आपके उत्तर हमें एक प्रतियोगिता पोस्टकार्ड पर 25 मई तक मिल जाने चाहिए। प्रतियोगिता में हमारे निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। इस प्रतियोगिता के दो विजेता चुने जाएंगे जिन्हें मिलेगा